तो हेलो गाइस, वेलकम और सभी का आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और भाई, जैसे कि आप जानते ही हो, जून का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊं। और मेरा अभी 2-3 दिन पहले फिजिकल भी था, तो इसीलिए मैं अब आज है मैं स्विमिंग पूल जाने की सोच रहा हूं। तो इतना गर्म हो रखा है, ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ और मिलेंगे आपसे वहीं पर स्विमिंग पूल में, ठीक है ना। तो गाइस, ये हम आ गए हैं APS तिराहे में और यहाँ से आपको जाना है लेफ्ट APS वाली रोड में, और जैसे रॉयल सिनेमा आओ तो वहाँ से नैनी सैनी वाली रोड में, चलो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ओके, तो गाइज ये हम लोग पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ के सिनेमा हॉल में, रॉयल सिनेमास। तो रॉयल सिनेमास से जो यहाँ पे मोड़ आती है ये देखो, तो नैनी सैनी वाली मोड़ में जाना है आपको। सीधा यहाँ से हम अंदर को जाएंगे, राइट साइड को जो मोड़ कटती है, एक सीधा नीचे मानस की तरफ जाती है और एक ही नैनी सैनी को जाती है ना, तो नैनी सैनी को चलते हैं और फिर आगे से आपको आगे रोड बताता हूँ मैं कहाँ जाना है। तो गाइस, स्विमिंग पूल का रास्ता जो यहाँ पे आप नैनी सैनी में आओगे ना, जो यहाँ पे तिराहा पड़ता है, जंक्शन पड़ता है, तो यहाँ से जो राइट साइड है, राइट वाली रोड है जो आइल अप पहाड़ की तरफ को भी जाती है, तो यही वाला रास्ता है। तो इसी रोड में आगे आगे जाते जाओ, वैसे अभी आगे आप देख ही लोगे आगे जाते ही। और यार, इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, इसलिए हम घर से आ गए थे स्विमिंग पूल नहाने के लिए। तो मगर इस बार हम लोग नैनी सैनी वाले में नहीं गए, इस बार ये रिठूगाड़ एक जगह है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आई लव पहाड़ को जो जाते हैं ना उसी वाले रास्ते में सामने पड़ता है। तो यहाँ पे एक नया स्विमिंग पूल बना है, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, तो हमने सोचा है कि एक बार यहीं जाते हैं। तो अब मैं अंदर को आपको दिखाता हूँ वहाँ की स्विमिंग पूल कैसा है, और जिनका ओनर है उनसे भी आपको मिलवाते हैं। ओके, तो यहाँ से अंदर को चलते हैं। तो अभी गाइस ये पूरा बन के कम्प्लीट नहीं हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें अभी देखो यहाँ पे अंकल बना रहे हैं, और मगर स्विमिंग पूल जो है वो स्टार्ट कर दिया उस तरफ को, और बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, देख अंदर हम जाके आए हैं अभी, आपको आपको दिखाते हैं आगे जाके। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे नई नई चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाले अंकल हैं इनके ओनर, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनने वाला है कह रहे हैं ये, तो जब बनेगा तब हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे, अब तो आते रहेंगे इस तरफ को। तो अब आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं स्विमिंग पूल होके, और इस तरफ को ज़रूर आना है यार, आप मज़े आएंगे बहुत। एक तो आजकल गर्मी इतनी हो रही है, क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल चैन आ जाता है इधर आके। तो गाइस, अभी अभी हमारे विवेक जो दोस्त है ये तैर के आ रखे हैं, तो भाई बताओ कितना गहरा है, बताओ जरा आपके कहाँ पे पहुँच रहे हैं ये, नाक तक पहुंच रहे हैं, वाओ। तो भाई नाक तक पहुंच रहे हैं, और जो नैनी सैनी का जो स्विमिंग पूल है वो छाती तक ही होता है यार, नाक तक है, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर यहाँ आना चाहो आप तो। और परवी सेज भी है यहाँ पे हमारे, सागर हेलो भाई कैसे हो, एक बार यहाँ तक है भाई, एक बार सब्सक्राइब कर दो, बोल दो यार मेरे को, सोरारी जी ब्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो इसको, सोरारी जी इंस्टाग्राम। बस भाई, अब सागर के जितने भी मुंबई दिल्ली वाले दोस्त हैं सब सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, हमने आपको अंदर जो अभी अभी जो यहाँ पे रियल वाला एक्सपीरियंस लेकर आया उनसे तो हमने बता दिया है, मगर अब आपको स्विमिंग पूल भी दिखाते हैं कि कैसा है स्विमिंग पूल। ओके, तो ये है यहाँ पे कपड़े वपड़े रखने के लिए है, मतलब हेलमेट रख सकते हो यहाँ पे आप अपना, और यहाँ से ये देखो स्विमिंग पूल। और अभी ये बीच वाले इसको तोड़ के और पूरा एक करने वाले हैं, इस टाइप की बात कर रहे थे अंकल, तो मैं उस तरफ से दिखाता हूँ आपको। दीपांशु मुंह तो दिखा दे। तो यहाँ पे बहुत लोग नहा रहे हैं भाई, ये मेरे सब पहचान के, अरे आप लोग भी आए हो गए यहाँ पे, यार मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आए हैं, मैं तो आज अकेला ही आया था, मगर ये देखो सब लोग हैं। और ये यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए है, तो मैं अगर नॉर्मली आपको बताऊं तो गाइज अभी ये कंप्लीट नहीं हो रखा है, ठीक है, और यहाँ पे अभी शावर भी लगेगा कह रहे थे अंकल, और अंदर पूरा सा बढ़िया कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए, और यहाँ पे रेस्टोरेंट बनने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब पूरा बनेगा तब अच्छे से आएंगे हम लोग, है ना। और अभी कंप्लीट नहीं है, बस स्विमिंग पूल खुल रखा है, और ये भी बहुत अच्छा है, मैं भी गया था तो मेरी भी ये नाक तक लगभग इतने तक तो पहुँच ही जा रहा है स्विमिंग पूल, तो अच्छा है एक्सपीरियंस, अच्छा रहेगा अगर आप आओ तो, नैनी सैनी से तो अच्छा ही है, ठीक है ना। हाँ, रास्ता भी बन ही रहा है यहाँ पे, देखो नीचे कैसा है जरा देखते हैं, ये पानी भी बहता हुआ पानी है क्योंकि नीचे भी बह रहा है ना पानी, तो बहता हुआ ही पानी होगा। और जरा कपड़े चेंज करने वाला दिखाते हैं आपको,
ये देखो ठीक है, कुंडी है नहीं है, कुंडी भी है, कपड़े चेंज करने की अच्छी व्यवस्था है। अभी हमारे दोस्त दीपांशु जंप मार रहे हैं, दीपांशु को देखते हैं ज़रा। अरे बात कर, आया मज़ा आया। दीपांशु मरमेड उल्टा तो नहीं हो गया ये? तो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने भी नहाया अभी यहाँ पे। और ये देखो ये जो स्विमिंग पूल है ये भी डबल हो जाएगा, तो और ज़्यादा फन भी डबल हो जाएगा फिर तो। और यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, ये देखो झूला झूलने के लिए भी बना रखा है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पार्क्स भी बन रहे हैं। और ये पीला कलर का भी कुछ है, वहाँ भी चलते हैं एक बार देखते हैं क्या है, ठीक है ना। ये हमारे अंकल जी, तो भाई लोग हमने अंकल जी से भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है, ठीक है ना, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना इसको। अब एक बार हम ये येल्लो वाला देखते हैं कि आखिर क्या है यहाँ पे, क्या बन रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं हौले वाले घर की तरफ को। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट। ये देखो क्या सीक्रेट प्लेस है। अच्छा कुछ पाइप वाइप है यार, यहाँ पे कुछ पाइप वाइप रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और हम लोग भी बस यहाँ से अब प्रस्थान करने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कुछ हाल के मत फेंकना, यहाँ से पानी जा रहा है अंदर को। व्हाट अ डाइव। एक बार मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है, यहाँ पे चढ़ के दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये देखो गाइस अच्छा एरिया है, और अभी तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो एक बार मेरी तरफ से भाई विज़िट ज़रूर करना, मेरे जितने भी देखते हो ना, विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि यार बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत मज़ा आया जाके। और ये ऐसा भी नहीं है कि पानी कम है, पानी भी अच्छा है, और ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मतलब बहुत बढ़िया है वीडियो, ठीक है, पानी भी बहुत अच्छा है। तो अब आप भाई देखो ज़रूर आना मेरी तरफ से, तो एक बार आना, खुश रहोगे आप, यहाँ से निराश होके नहीं जाओगे। ओके तो अभी हम हौले हौले चलते हैं रोड की तरफ को। वो आईफोन वाला आदमी भी वीडियो बना रहा है, आईफोन गाय। ठीक है तो अब रोड की तरफ को चलते हैं, और ऊपर से भी आपको यहाँ के एक बार दिखाता हूँ, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो ठीक है गाइज़, अब हमारी वीडियो भी बन गई है, और अब हम आखिरी बार अंकल को बाय बाय करते हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपके यहाँ पे आके हमको, बहुत अच्छा बनाया है आपने। अब अगली बार आएंगे ना, जब पूरा बन जाएगा तब अच्छे से और आएंगे, तब दिखाएंगे अच्छे से। फुल बन जाएगा। हाँ चलो तब तक के लिए फिर बाय बाय कहते हैं अंकल को। अब हम चल के अंकल, थैंक यू, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, ओके, और वहाँ से ऊपर से एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा दिख रहा है, और फिर हौले हौले चलते हैं घर। तो ये देखो गाइस, यहाँ से है इसका गेट, मेन गेट, और ये देखो नीचे गड्ढा वड्ढा खोद रहे हैं, और ये भी कुछ बना रखा है, और वो उधर है स्विमिंग पूल। तो मतलब एरिया बहुत अच्छा है यार, मगर यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, अच्छी जगह है, आपको आके भी अच्छा लगेगा। तो आइए यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आइए, और थोड़े टाइम में पूरा बन के जब अच्छा हो जाएगा ना, तब और अच्छा बनेगा, और ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, आई लव पहाड़ वाली रोड में ही है, नैनी सैनी की तरफ को। ओके तो अब हम भी चलते हैं घर को, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, भले ही लाइक ना करो, देखो ना, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ओके तो गुड बाय।